अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बन पराठा बनाने की बहुत आसान रेसिपी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में आप ये रेसिपी दे सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाना हो तो ये रेसिपी बहुत ही बेहतरीन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और बहुत ही क्रिस्पी से आप ये बन पराठा बनाइएगा। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई भी ऐसा ट्रिकी प्रोसेस नहीं है जो कि मुश्किल हो। आसानी के साथ आप ये बना कर सर्व कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। आप चाहें तो इसे गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। 2 कप के बराबर ले लेंगे और छान कर इसको यूज़ करेंगे। तो सेम यही वाली रेसिपी आप गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। अगर आप मैदा यूज़ नहीं करना चाहते तो गंदम का आटा ले लीजिएगा, या फिर दोनों आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। जिस तरह से 1 कप मैदा और 1 कप आप गंदम ऐड कर सकते हैं। इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, अकॉर्डिंग टू फ्लेवर ऐड कर लेंगे, जितना आटे में यूज़ किया जाता है उतना। अजवाइन ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सूजी। सूजी यहाँ पर मैंने है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर भर के, वो बहुत ही क्रिस्पी बनाएगी इसको। तो पहले हमने खाली ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी मैंने पानी ऐड नहीं किया। जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे में, उसके बाद हमने पानी ऐड करना है। तो पानी भी हम इसमें नीम गर्म ऐड करेंगे, इसमें ठंडा पानी ऐड नहीं किया जाता क्योंकि हमने इसमें ऐड की है सूजी। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देने के बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी, और जिस तरह से नॉर्मल आटा गूंदा जाता है घरों में, सेम उसी तरह से इसको गूंद कर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे को गूंद लिया है, इसको मैं कवर करके रख दूँगी। इसी दौरान में हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू। इसमें ऐड कर देंगे नमक, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, साथ इसमें हल्दी ऐड कर देंगे अच्छे से कलर के लिए, टेस्ट के लिए। साथ इसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया, जो कि पिसा हुआ सूखा धनिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। बस सिंपल सी चीज़ें हैं, हमारे घर में अवेलेबल ही होती हैं। साथ इसमें हमने हरा धनिया ऐड करना है, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी प्याज। तो प्याज की क्वांटिटी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बचा ली है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि किस टाइम पर मैं यूज़ करूँगी। तो इस टाइम पर बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। इस टाइम पर बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। कोई भी बाइंडिंग के लिए हमने चीज़ ऐड नहीं करनी इसमें, जिस तरह से कॉर्नफ्लोर ऐड किया जाता है या फिर चावल का आटा। सिंपल हमने इसको मिक्स करना है। तो देखिए अच्छे से मैंने मिक्सिंग कर ली है हाथों की मदद से। आप चाहें तो स्पैचुला यूज़ कर लीजिए या स्पून की मदद से मिक्सिंग कर लीजिए। बहुत अच्छे से मिक्सिंग कीजिएगा। आटा इसी दौरान में सेट हो चुका है। बीच में मैंने एक दफ़ा से दोबारा इसको गूंद कर सेट कर लिया था। अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। तो इससे तकरीबन 4 अदद पेड़े बने थे, लेकिन जो प्रोसेस हमने करना है उससे हमारे 3 बन पराठा ईजिली बन जाएंगे। 1 बन पराठा बनाने के लिए हमें 2 पेड़े चाहिए। तो इसी तरह से बस प्रेस करके इसको बेल लेते हैं, और कोई भी एक्यूरेट शेप नहीं देनी इसकी हमने, बस टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी होगा। अभी हम इसको बेल लेते हैं। लंच बॉक्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स का बहुत इशू होता है कि आखिर उन्हें क्या बनाकर दिया जाए। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बच्चों का लंच बॉक्स खाली ही आएगा। तो बस इस तरह से देखिए मैं इसको बेल लूँगी, जिस तरह से आम रोटी को बेला जाता है, और इसको पतला नहीं रखेंगे, ना ही हमने कोई लेयरिंग बनानी है इसके अंदर, ना ही ऑयल लगाएंगे। बस जिस तरह से रोटी को बेला जाता है सेम उसी तरह से बेल लेंगे। तो रोटी को मैंने बेल लिया है, और आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़े साइज़ की रोटी मैंने नहीं बेली, और पेड़े का साइज़ भी नॉर्मल रखा था, ज़्यादा छोटे या बड़े पेड़े नहीं बनाए थे। बिल्कुल परफेक्टली ये रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह से मैंने दूसरी रोटी को भी बेल लिया था, और 2 रोटियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमें चाहिए होगी 1 अदद स्टील की कटोरी। तो एक जो रोटी हमने बनाई थी उसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और इस टाइम पर अगर आपको रोटी सही नहीं बेलनी आती, आपसे रोटी गोल नहीं बनती, तो कोई भी इशू नहीं है, खुद ही ये गोल हो जाएगी जिस तरह से हम इसको कट करेंगे। तो देखिएगा कि बहुत अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। आलू की टिक्की मैंने बना ली थी थोड़े बड़े साइज़ की, और इसको इसमें रख देंगे। और इसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़े से और प्याज
प्याज ऐड कर देने हैं। तो जो इशू होता है कि आपको इसमें प्याज नहीं मिले या फिर इसमें आलू का जो मिक्सचर है वो कम है, वो इसमें बिल्कुल नहीं होता। जो आलू लवर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। दूसरी रोटी को ऊपर इस तरह से डालेंगे, अच्छी तरह से साइड्स जो हैं इसकी, ये जो एजिस हैं मैं प्रेस कर रही हूँ, उसके बाद इसको मैं टर्न कर दूँगी और कटोरी की मदद से ही इसको कट कर लेंगे। बहुत आसान तरीका है, आप फटाफट से बना सकते हैं इसको और ये हमारा बन पराठा रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम इसे कुक कर लेंगे, इसके एजेस बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएंगे। इसी से मैं दोबारा एक और बन पराठा रेडी कर लूँगी। तो माशाल्लाह से मेरे ये 3 बन पराठा रेडी हुए थे 2 कप मैदे से। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छे बनेंगे ये और बहुत ही क्रिस्पी से तैयार होते हैं। तो इसके ये जो एजेस हैं इससे दोबारा मैं बेल लूँगी। एक मैंने सिंपल बनाया है विदाउट प्याज के, यानी कि इसके ऊपर प्याज ऐड नहीं किए और बस रोटी को इस तरह से हमने डालना है, अच्छे से प्रेस करना है, कट कर लेना है और रख लेंगे और फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। इस टाइम पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें। सेम यही वाली रेसिपी गंदम के आटे से भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास मैदा मौजूद नहीं है तो गंदम के आटे में ही आप सूजी ऐड करके ये रेसिपी बना सकते हैं। एक पैन ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे ऑयल और 1 by 1 इन दोनों बन पराठा को ऐड कर देंगे। इस टाइम पर हमने इनको अच्छी तरह से कुक करना है। तो जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो की तरफ रखेंगे, हाई फ्लेम पर इन्हें कुक नहीं कीजिएगा ताकि अच्छी तरह से अंदर जो हमने आलू भी ऐड किए हैं वो भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और जिस तरह से आलू का पराठा बनता है गरम गरम उसी तरह से हम इसको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको टर्न करती जाऊँगी और बहुत अच्छा सा कलर दे दूँगी। जैसे ही मैंने इसको टर्न किया था तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा और फ्लैट हो जाए। उसके बाद दोबारा से टर्न करते जाएंगे, अच्छा सा कलर देते जाएंगे। अच्छी तरह से हमने दोनों साइड से इसको कुक कर लेना है और बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर दे देंगे और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे ये बन पराठे रेडी हो जाएंगे। इनको पकाने में जल्दी नहीं कीजिएगा, इसका जो कुकिंग टाइम है तकरीबन 6 से 7 मिनट है। इसी दौरान में ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनको निकालते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे बन पराठा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आया है, अंदर तक बिल्कुल ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं ये। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में बना कर दीजिए। इसके अलावा आप संडे स्पेशल नाश्ते में भी ये रेसिपी बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से बहुत सी अमेजिंग सी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।